और वहीं राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी आज इसी बात का जिक्र था, जहां पर उन्होंने ये कहा कि पेपर लीक की घटनाएं अलग अलग राज्यों से सामने निकल कर आई हैं, लेकिन जो भी उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, बजाय इसके मेरे देश को आजाद हुए कि इस पर राजनीति की जाए। दलगत राजनीति से, दलीय राजनीति से ऊपर उठने की जरूरत है और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। परीक्षा में होने वाली जो गड़बड़ी है उन पर सख्ती होनी चाहिए। पेपर लीक की निष्पक्ष जांच। प्रयास है कि देश के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का उचित अवसर मिले, सरकारी भर्ती हो या फिर परीक्षाएं। सुनिए, परीक्षाएं किसी भी कारण से इनमें रुकावट आए ये उचित नहीं है। इनमें शुचिता और पारदर्शिता बहुत जरूरी है। हाल ही में कुछ परीक्षाओं में हुई पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। इससे पहले भी हमने देखा है कि कई राज्यों में पेपर लीक की घटनाएं होती रही है। इस पर दलीय राजनीति से ऊपर उठकर देशव्यापी ठोस उपाय करने की जरूरत है। संसद ने भी परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों के विरुद्ध एक सख्त कानून बनाया है। मेरी सरकार परीक्षाओं से जुड़ी संस्थाओं, उनके कामकाज के तरीके, परीक्षा प्रक्रिया सभी में बड़ी सुधार करने की दिशा में काम कर रही है। और इसी बीच अगली बड़ी खबर आपको बता दें, नीट पेपर लीक की सीबीआई लगातार जांच कर रही है और ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल पर लगातार जो है यह जांच बढ़ता जा रहा है। दूसरी बार उस प्रिंसिपल को स्कूल लेकर गई सीबीआई की टीम। इसके अलावा और भी जो लोग प्रिंसिपल के नजदीकी हैं उनसे भी जांच पड़ताल चल रही है। 3 मई को प्रिंसिपल एहसान बैंक गए थे, 3 मई को हजारीबाग से पेपर पटना पहुंचा था, 3 मई की वो तारीख थी जब बुकलेट नंबर अलॉट हुआ था और 4 मई को पटना में बच्चों को रटवाए गए थे आंसर की। 3 मई का टाइमलाइन खंगाल रही है सीबीआई की टीम। सीबीआई की टीम एक बार फिर से ओएसएस स्कूल पहुंची है। आप ये देख रहे हैं कि सीबीआई की टीम प्रिंसिपल को साथ लेकर पहुंची और लगातार प्रिंसिपल से इस पूरे मामले में जो है वो पूछताछ की जा रही है। आप तस्वीरों में देखेंगे कि पीछे वाली सीट पे प्रिंसिपल जो है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और लगातार यहाँ पर जो टीम है वो लेकर पहुंची है। आप ये देखिए यहाँ पे बीच में बिल्कुल प्रिंसिपल को बिठाया हुआ है और चारों तरफ आपको सीबीआई के जो ऑफिसर्स हैं वो बैठे हुए नजर आ जाएंगे और लगातार पूछताछ जो प्रिंसिपल है उनसे की जा रही है। और अब आप देखेंगे कि एक बार फिर से जो सीबीआई की टीम है वो प्रिंसिपल को लेकर ओएसएस पब्लिक स्कूल यहाँ पर पहुंची है। कल भी तकरीबन 4.5 घंटे तक इसी स्कूल के अंदर पूछताछ जो है वो की गई थी। पूछताछ के दौरान जो प्रिंसिपल का फोन है वो जब्त किया गया, उसकी जांच जो है वो कराई जा रही है और उसके बाद जो प्रिंसिपल का रूम है वहां से भी प्रिंटर और जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उसको भी पुलिस ने जब्त किया था, जिसकी जांच जो है वो साफ तौर पर की जा रही है। अब जो एक्शन मोड पर सीबीआई लगातार हजारीबाग में और इसी एक्शन के बीच में एक बार फिर से प्रिंसिपल के साथ सीबीआई की जो टीम है वो स्कूल में पहुंची है और इस पूरे मामले की जो जांच है वो की जा रही है। अभी तक की जो जांच है वो नीट पेपर लीक मामले में की जा रही थी, लेकिन सोर्सेस का कहना है कि यूजीसी नेट मामले में भी ये स्कूल संदेह के घेरे में है और उसको देखते हुए अब जो इन्वेस्टिगेशन है वो पुलिस साफ तौर पर करती हुई नजर आ रही है। आप सीबीआई की तस्वीर लगातार देख रहे हैं, एक बार फिर से सीबीआई की टीम यहाँ पर पहुंची है, प्रिंसिपल को अपने साथ लेकर पहुंची है। कल भी जानकारी मिली थी कि पूरी रात जो है वो पूछताछ सीबीआई ने प्रिंसिपल के साथ की है और अब एक बार फिर से स्कूल के अंदर सीबीआई की टीम मौजूद है और तमाम सबूत को जुटाने की जो कवायद है वो सीबीआई द्वारा की जा रही है।